सबके प्रति प्रेम भाव रखो। ठीक उसी समय मस्जिद में घंटी बजने लगी। बाबा के भक्त रोजाना दोपहर को बाबा की पूजा और आरती करते थे। यह घंटी दोपहर की पूजा आरती की सूची थी। श्यामा और हेमानपन तेजी से मस्जिद की ओर चल पड़े। बापू साहब जोग पूजन शुरू कर चुके थे। सभी आरती गा रहे थे। श्यामा हेमानपन का हाथ पकड़कर बाबा के दाईं ओर बैठ गए, जबकि हेमानपन सामने बैठ गए। तब बाबा ने हेमानपन से कहा, श्यामा ने तुझे जो दक्षिणा दी है वह मुझे दे। तब हेमानपंत ने कहा, बाबा श्यामा तो यहीं पर है और दक्षिणा के लिए उसने 15 नमस्कार दिए हैं। तब साईं बाबा हंस पड़े और बोले, ठीक है, अब मुझे बता तुम दोनों के बीच क्या बात हुई। इस पर हेमानपंत ने शुरू से अंत तक सारी बात विस्तार से बता दी। उसने बताया वार्ता बड़ी सुखदायी रही, विशेषकर उस वृद्ध महिला की कथा अद्भुत थी। इस कथा के माध्यम से आपने मुझ पर कृपा की है। तब बाबा ने पूछा, यह कहानी कितनी मीठी है। श्यामा ने कहा, बाबा इस कहानी को सुनकर मेरे मन की चंचलता दूर हो गई। अब मुझे रास्ता समझ आने लगा। अब मैं एकदम शांत हूँ। बाबा ने कहा, मेरी प्रणाली अनोखी है। यदि इस कहानी को स्मरण रखोगे तो बड़ी सार्थक सिद्ध होगी। फिर बाबा खुशी से हंस पड़े और बोले, अब मेरा कहा मानकर सुन ले। चैतन्य स्वरूप परमात्मा सब जगह मौजूद है, इसलिए प्रत्येक प्राणी के अंदर जो चेतना है उसी का ध्यान करना चाहिए, फिर वह मिल जाता है। जो मनुष्य यह नहीं कर सकता उसे मेरे स्वरूप का दिन रात ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से मन स्थिर होकर परमात्मा से एकरस हो जाएगा। ध्येय व ध्यान का भेद समाप्त हो जाएगा। गुरु और शिष्य का संबंध कछुई माँ और उसके बच्चों के जैसा है। जिस तरह कछुई नदी पर रहकर दूसरे तट पर रहने वाले अपने बच्चों का फिर प्रेम दृष्टि से पालन पोषण करती है, वह ना तो अपने बच्चे को हृदय से लगाती है और ना ही उन्हें अपना दूध पिलाती है। बच्चे भी अपनी माँ को याद करते रहते हैं। कछुए की प्रेम दृष्टि ही उनके लिए आहार है। इतने में ही आरती संपन्न हो गई और भक्त ऊंचे स्वर में साईं बाबा की जय जयकार करने लगे और बापू साहब जोग ने सबको प्रसाद में मिश्री बांधी। बाबा को भी मिश्री प्रसाद दिया। बाबा ने अपने हाथ का मिश्री प्रसाद हेमानपंत को देते हुए कहा, यदि तुम इस कहानी को सदैव याद रखोगे तो तुम्हारी स्थिति मिश्री जैसी मधुर हो जाएगी और तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हेमानपंत ने बाबा के चरणों में सिर झुकाया और आंखों में आंसू भरकर बोले, बाबा आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत है। आप मुझे संभाल लिए। लेन देन के बिना कोई भी किसी से नहीं मिल सकता। इसलिए मनुष्य तो क्या, किसी भी जीव के प्रति नफरत का भाव मत रखो। सभी से आदर भाव से मिलो। अभद्रता का व्यवहार मत करो। भूखों को रोटी, प्यासे को पानी, वस्त्रहीन को कपड़ा, राहगीर को बैठने के लिए जगह दो। यदि तुम्हारी ऐसा करने की सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम उससे बुरा मत बोलो। यदि कोई तुम्हें बुरा बोले तो उस पर क्रोध मत करो। ऐसा करने वालों को सुख मिलता है। संसार चाहे इधर से उधर हो जाए, तुम अपने आदर्श पर स्थिर रहो। जो कुछ हो रहा है उसे देखते रहो। तुम द्वैत भाव को त्याग दो। द्वैत भाव से गुरु शिष्य में पृथकत्व आ जाता है। सबका अल्लाह मालिक है, वही सबका रखवाला है, वही सबको मार्ग दिखाता है, वही सबकी इच्छाएं पूरी करता है। पूर्व जन्म का संबंध होने से तेरी और मेरी भेंट हुई है, फिर आपस में प्यार बांटकर खुश रहो। यह कोई स्थिर रहने वाला नहीं है। जब तक सांसें चलती हैं, तब तक ही जीवन है। और अपने जीते जी जिसने परमात्मा को पा लिया वह धन्य है। इस उपदेश को सुनकर हेमानपंत को अति आनंद हुआ और वे बाबा के चरण वंदना कर अपने घर लौटे।